नीति नियंताओं ने पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया था। शायद उन्हें नहीं पता था कि एक रोज राजनीति के ठेकेदारों का मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि उन्हें किसी कैमरे, किसी माइक, किसी कलम का कोई मान नहीं रहेगा। वो दिन दहाड़े पत्रकारों का कॉलर पकड़कर उन्हें खींचते हुए अपने घर के अंदर ले जाएंगे, उन्हें निर्वस्त्र करेंगे, उन्हें मारेंगे, पीटेंगे। जब इससे भी उनका मन नहीं भरेगा तो उन्हें जबरन शराब पिलाएंगे, उन्हें पेशाब पिलाएंगे, बंदूक की नोक पर उनके हाथ में तमंचा थमाकर उनका वीडियो बनाएंगे। इसके बाद जब पत्रकार अपनी फरियाद लेकर सुरक्षा के पहरेदारों के पास पुलिस थाने जाएगा, तब राजनीतिक रसूख वाले ये लोग अपना वर्चस्व दिखाते हुए पीड़ित पर ही मुकदमा लिखवा देंगे। ये सब कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की सरीला नगर पंचायत में, दैनिक भास्कर UP.com के पत्रकार अमित द्विवेदी के साथ। आखिर अमित के साथ ये बर्बरता क्यों हुई? जवाब है, उन्होंने सरीला नगर पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी के नेता पवन अनुरागी पर एक खबर छाप दी थी जो नेताजी को पसंद नहीं आई, और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। इस मामले को लेकर पत्रकार अमित द्विवेदी ने क्या बताया, पहले आपको वो सुनवाते हैं। सर, मेरा नाम अमित कुमार है, सरीला से रहने वाला हूँ, और सरीला में क्या है कि नगर पंचायत की दैनिक भास्कर में संवाददाता हूँ, इसमें खबर लगाई थी मैंने नगर पंचायत में भ्रष्टाचार की। 3-4 दिन से जो लगातार चेयरमैन का धमकी वाला ऑडियो वायरल हो रहा था, तो मैंने उसमें खबर लगाई थी। खबर लगाने के बाद कल शाम को लगभग 6 बजे चेयरमैन द्वारा मुझे बुलवाया गया चौराहे पे, और चौराहे पे बुलवाने के बाद उनके गैंगस्टर साथियों द्वारा, 4 गैंगस्टर साथी उनके साथ 6-7 लोग थे, और मुझे घर के अंदर घसीटते हुए ले जाके वहाँ पे मारपीट की गई। लगभग 4 घंटे 3rd degree का टॉर्चर दिया गया, और जबरन मुझसे फर्जी वीडियो बनवाए गए, और ऐसा न करने पर वो कट्टा की दम पे, बिल्कुल कट्टा सर में लगा लगा के जबरन मुझसे फर्जी वीडियो बनवाए गए, और कहा कि अगर भूखे से तुमने थाना या चौकी में शिकायत की तो ये वीडियो तुम्हारे वायरल कर दी जाएगी, और काफ़ी गंदी वीडियो बनवाई गई। और अभी हमने थाने में शिकायत कर दी है, और अभी हम मेडिकल के लिए यहाँ आए। अमित का आरोप है कि उन्होंने सरीला नगर पंचायत अध्यक्ष पवन अनुरागी की एक कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें वो सभासदों से अभद्र भाषा में बात कर रहे थे, उसके बारे में खबर छापी थी। सभासदों ने इसके खिलाफ SDM को शिकायत भी की थी। हालांकि ये खबर काफी मीडिया संस्थानों ने छापी थी, लेकिन पवन अनुरागी ने टारगेट किया अमित को। ये पूरा घटनाक्रम 27 अक्टूबर का है। अमित ने ललन टॉप से फोन पर बातचीत करके पूरा घटनाक्रम समझाया। उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर की शाम 6:20 पर उनके पास उन्हीं के गांव के गंगा प्रसाद का फोन आया। गंगा प्रसाद ने उन्हें मिलने के लिए जरिया बस स्टैंड के पास बुलाया। अमित भारत संवाद पोर्टल के पत्रकार शैलेंद्र कुमार के साथ गंगा प्रसाद से मिलने पहुंचते हैं। कुछ देर बात करने के बाद गंगा प्रसाद ने कहा कि कहीं आराम से बैठकर बात करते हैं। तीनों पास ही एक घर के अंदर चले गए। घर के कमरे में सरीला नगर पंचायत अध्यक्ष पवन अनुरागी, अखिलेश राजपूत, विक्रम यादव, नरेंद्र विश्वकर्मा, RK सोनी, आकाश अनुरागी और 2 अज्ञात लोग मौजूद थे। इनमें कुछ की लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। अमित को अब तक समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अमित और शैलेंद्र दोनों ने बाहर की ओर भागने की कोशिश की, तभी कमरे की लाइट बंद हो गई। इसके बाद कोई अमित और शैलेंद्र को बंदूक की नोक पर कमरे के अंदर लाया और उन्हें 3-4 घंटे तक खूब मारा। अमित बताते हैं कि उन लोगों ने मेरे कपड़े उतरवाए, मेरा वीडियो बनाया, वो लोग मुझे ज़बरदस्ती शराब पिला रहे थे, वो मुझे पेशाब पिला रहे थे, मैं मना करता तो सभी लोग मुझे मारने लगते। अमित का आरोप है कि आरोपियों ने उनके हाथ में तमंचा पकड़वा कर ज़बरदस्ती वीडियो बनवाया, जिसको आधार बनाकर उनके ऊपर हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखवाया गया। अमित ने मौका देखकर अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर दिया था, जिसमें लोगों की आवाज़ रिकॉर्ड हो गई थी। इस मामले में अमित की ओर से भी 6 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया। नामजद में पवन अनुरागी, अखिलेश राजपूत, विक्रम यादव, नरेंद्र विश्वकर्मा, RK सोनी, आकाश अनुरागी का नाम शामिल है। माने पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा लिख दिया। पवन अनुरागी ने अमित के FIR करने के 18 घंटे बाद तमंचे वाला वीडियो दिखाकर हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। अमित का आरोप है कि वो पुलिस को सारे सबूत दिखाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि आरोपी नगर पंचायत अध्यक्ष पवन अनुरागी की राजनीति में मजबूत पकड़ है।
अमित का आरोप है कि पवन हमीरपुर की राठ विधानसभा से विधायक मनीषा अनुरागी और पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु वर्मा का रिश्तेदार है। पवन इन रिश्तों का फायदा उठाता है। जब हमीरपुर में अमित की कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो राजधानी लखनऊ आ गए। उन्होंने डीजीपी दफ्तर में जाकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई। अब तक लोकल अखबारों में अमित के साथ हुई बर्बरता के बारे में खबरें छपना शुरू हो गई थी। 2 नवंबर के रोज समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने एक्स पर अमित का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में अमित निर्वस्त्र हैं और एक शख्स उन्हें चप्पल से पीट रहा है। इस वीडियो के साथ लिखा गया, यूपी के हमीरपुर में पत्रकार शैलेंद्र मिश्रा और अमित द्विवेदी को भाजपा नेताओं ने कमरे में नंगा करके पीटा और फिर पुलिस की मिलीभगत से फर्जी मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारों को यूपी में योगी और भाजपा सरकार में जमकर प्रताड़ित किया जा रहा है। पिटाई हो रही है, जान से मारा जा रहा है, मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। इसके बाद 3 नवंबर को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमित का वीडियो शेयर करके एक्स पर लिखा, एक पत्रकार की हत्या, पत्रकारों पर दबाव बनाना, पत्रकारों को महीना बांधना, पत्रकारों पर FIR कराना, पत्रकारों को निर्वस्त्र करके मारना, पत्रकारों को अवांछित पेयपान कराना, भाजपा राज में मीडिया के मनोबल के एनकाउंटर का हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। अब तक मामला राजनीतिक रंग ले चुका था। इसी के बाद 6 नवंबर को हमीरपुर भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील पाठक अमित के घर मिलने पहुंचे। उन्होंने मामले की जानकारी ली, साथ ही हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष पवन अनुरागी को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। 6 नवंबर की शाम ही पवन अनुरागी समेत अन्य नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पकड़ लिया गया है, लेकिन अमित पर अभी भी हरिजन एक्ट का केस रजिस्टर्ड है। अमित ने ललन टॉप से बातचीत करते हुए कहा कि हमीरपुर की SP डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने कहा था कि वो हरिजन एक्ट का केस जो है वो स्पंज करवा देंगी, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से ऐसा नहीं किया गया है। इससे इतर अमित सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही पवन अनुरागी और अन्य लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो, पवन के साथ अन्य आरोपियों पर धाराएं बढ़ाई गई हैं। प्रशासन की ओर से अमित के परिवार को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। ये तो बात हुई खबर की, लेकिन ये खबर कई सवाल भी उजागर करती है। पहला सवाल, 27 अक्टूबर का केस था जिसमें पीड़ित पुलिस के सामने सभी सबूत दिखा रहा था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये मुमकिन है कि साक्ष्य सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन इस निष्कर्ष पर तो पुलिस तब आ सकती है जब वो उसकी जांच करे। दूसरा सवाल या सुझाव भी कह सकते हैं कि राजनीतिक दबाव में लिखे जाने वाले मुकदमों पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर जांच में सामने आता है कि अमित पर गलत मुकदमा लिखा गया है तो पुलिस को मुकदमा लिखवाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल ये भी है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या योजना है। ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार है, जैसे ही आएंगे आप तक भी पहुंचाएंगे। बस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारे साथी रजत पांडे ने। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।